नमस्कार, आप देख रहे हो दितराज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। मैं उदित राज न्यूज से मजाहिर हसन। आज हम आए हुए हैं लोकसभा सहारनपुर में, जहां पे इलेक्शन 19 अप्रैल को होना है और यहां पे इमरान मसूद, माजिद अली, राघव लखनपाल आपस में इनकी लड़ाई है, इनकी टक्कर है। और 2014 की बात अगर हम करें तो राघव लखनपाल उसमें बाजी मार ले गए थे, क्योंकि इमरान मसूद का एक बयान बोटी बोटी वायरल हुआ था, उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 2019 में हाजी फजलुर रहमान सपा और बसपा के गठबंधन से यहां पर एमपी हो गए थे और इमरान मसूद को तीसरे नंबर पर लहराना पड़ा था। लेकिन आज के हालात में ये तो जनता ही डिसाइड करेगी, ये तो जनता ही बताएगी कि वो और किसको हराएंगे। तो आइए हम जानते हैं सहारनपुर की जनता से कि वो किसे अपने सर पे बिठाएगी और किसको वो हराएगी। कांग्रेस को तो वोट जाएगा, लेकिन क्या इमरान मसूद किसी तरह से बीजेपी की टक्कर में खड़े हो पाएंगे? इंशाल्लाह इमरान मसूद बिल्कुल जीत रहे हैं। यहाँ से गठबंधन का पूरा जोर है इस बार और इंशाल्लाह गठबंधन ही जीतेगा, क्योंकि अपोजिशन में भाजपा और गठबंधन इन दो ही की टक्कर है। माजिद अली तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं रफ्तार में। ये माजिद अली को कह रहे हैं टक्कर में नहीं है, आपका क्या कहना है? आपका नाम मनोवर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये बता रहे हैं इमरान मसूद जी जीत रहे हैं और माजिद अली टक्कर में नहीं है, राघव लखनपाल के साथ हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ये सच बोल रहे हैं, इंशाल्लाह यही होगा। माजिद तो चंद ब्यादरे के लोगों के ऊपर कूद रहे हैं, कुछ नहीं है, वो चंद पैसे का खर्च करके वोट खराब कर रहे हैं, बीजेपी को सीधा सीधा फायदा पहुँचाना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? माजिद अली जीत रहा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। 54% पर माजिद अली चुनाव लड़ रहा, तो वो हार ही नहीं सकता। इमरान तो भाजपा का एजेंट है, इसलिए 54% वोट आप कैसे कह रहे हैं, आप थोड़ा सा समझाएंगे? करीब 30-35% मुस्लिम है और बाकी 20-22% दलित है। तो क्या कुछ वोट राघव लखनपाल को मुस्लिम्स का और इमरान मसूद को क्या बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होगा? क्योंकि तकरीबन 34% वोट तो सिर्फ मुस्लिम का है ही, उसी में से आप 35% वोट मुसलमानों का माजिद अली को दे रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? इमरान 2 लाख के अंदर रह जाएगा, कम से कम 10% तो मुस्लिम वोटों से मिल ही जाएगा। आप कितना कह रहे हैं? 2 लाख के अंदर रह जाएगा जी चुनाव में। लेकिन इस बार उन्होंने, जैसा कि पीछे भी हमने इलेक्शन में देखा, 2014 के इलेक्शन में जगदीश राणा बीएसपी से थे, तीसरे नंबर पे रहे थे। पिछली बार गठबंधन में हाजी फजलुर रहमान जीते थे, लेकिन इस बार हाजी फजलुर रहमान को टिकट नहीं मिला है, तो क्या इसका नुकसान माजिद अली को होगा या नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा, बिरादर वोट बहुत बढ़ेगा उसके पास। लेकिन क्या सिर्फ बिरादरी से कोई भी इलेक्शन जीता जा सकता है? नहीं जीता जा सकता, सब लोग वोट देंगे, नहीं हो करता, सबका ही वोट चाहिए। आप किसको वोट देना चाहेंगे? मैं इमरान मसूद को वोट देना चाहूंगा, क्योंकि हम शुरू से इमरान मसूद को ही वोट देते हैं, कांग्रेस को ही वोट देते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही है, हर लोग वोट दे और अपना वोट कोई भी खराब ना करे। जो जीतने वाला कैंडिडेट है हमारे हिसाब से इमरान मसूद है। लेकिन एक बात देखी गई है, 2014 का इलेक्शन था, उसमें इमरान मसूद ने बोटी बोटी का नारा देकर इलेक्शन को अपने खिलाफ कर लिया था। इस बार उन्होंने रोटी रोटी का नारा दिया है, तो क्या वो रोटी रोटी का नारा कामयाब हो पाएगा? कामयाब हो पाएगा, बिल्कुल कामयाब हो पाएगा, इंशाल्लाह जीत होगी इमरान मसूद की। जी अहमद नवाज साहब, आप किसको जिता रहे हैं सहारनपुर लोकसभा सीट से? सहारनपुर में फाइट इमरान मसूद और बीजेपी की ही है, गठबंधन और बीजेपी। तीसरे नंबर पर लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह तीसरे पे ही रहेंगे, आप देखना। ये तो भोकाल मारते हैं, 2 के अंदर सिमट जाएगा, 2 लाख के अंदर ये भोकाल मार रहे हैं। पहले कब जीता होगा जो आज जीतेगा? मुजफ्फराबाद से एक बार जीत गया था, बस वो उसका नसीब था, अब नहीं जीतेगा। वो किसी को चाहता ही नहीं, वो कैसे जीत जाएगा? इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि एक आदमी बार बार हारेगा। इमरान मसूद इंशाल्लाह जीत हो रही है और पक्की हो रही है। लेकिन हमने पहले भी देखा है इलेक्शंस में इमरान मसूद भीतरघात का शिकार हो जाते हैं। 2014 में
उनके खिलाफ मुस्लिमों ने भी वोट किया था और बीजेपी तो जो मुस्लिम हिंदू वोट था वो एक तरफा हो गया था। अभी भी 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब उसमें हमने देखा कि पूरी इमेज खराब हो गई थी, तो क्या इस बार वो भीतरघात का शिकार नहीं होंगे? नहीं नहीं, इस बार कोई शिकार नहीं होगी किसी भी चीज़ का, इंशाल्लाह जीत होगी। उधर बेहट सीट से उमर अली खान से उनकी पुरानी अदावत है, 2014 में उमर अली खान की वजह से ही वो पार्टी छोड़ गए थे, तो क्या उमर अली खान का सपोर्ट उनको मिलेगा या अंदरूनी तौर पे खिलाफ जाएंगे? उमर अली खान साहब का जो है सपोर्ट है, मिल रहा है उन्हें और इंशाल्लाह मिलेगा। इस बार कोई भी कैंडिडेट कोई बाहर नहीं जा रहा है। वोट होंगे इमरान मसूद, इमरान मसूद को तो वोट देंगे, लेकिन जो ये बीएसपी से माजिद अली खड़े हुए हैं, क्या ये नुकसान पहुंचाकर राघव लखन पाल को फायदा नहीं पहुंचाएंगे? नहीं नहीं, इनके नुकसान फायदे से फर्क नहीं पड़ता, टक्कर दो ही आदमी में, राघव लखन पाल में और गठबंधन में। तो ये था ना कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ता, अब जो है समाज का वोट उसके साथ है, लेकिन दलित वोट कभी भी मायावती के अलावा कहीं जाता नहीं है, आपने पहले भी देखा होगा। अगर लगता है कि कैंडिडेट बीएसपी का नहीं जीत रहा है तो वो ट्रांसफर हो जाता है बीजेपी को, ये देखने में आया है, तो क्या इस बार ऐसा नहीं होगा? नहीं नहीं, ये बात सच्ची है, पर ऐसा नहीं होगा, वोट अब का जो गठबंधन बजाएगा, दलित वोट भी सर समाज का वोट गठबंधन बजा रहा है, समाज का वोट मिल रहा है, इस बार सबका वोट मिलेगा और ये उनकी जीत का आधार बनेगा, क्योंकि इस बार लड़ाई संविधान बचाने की हो रही है। 2014 में 4 लाख से ऊपर इमरान को वोट मिला था, कभी राजनीतिक कैरियर में भी इतना वोट मिलेगा ही नहीं भाई, इस बार 6 लाख पा रहे हैं, देखना। 4 लाख 2014 में मिला था, जो लोगों ने पूरा दम लगा कर वोट दिया था, अब कभी इतना वोट मिलेगा ही नहीं। वो ईवीएम में सेट ये वोट सबका मिलेगा, इस बार हिंदू भाई भी वोट करेंगे और दलित भाई भी वोट करेंगे, आप देखना, ये वहां से पूर्ति होगी, हिंदू वोट भी आएगा, इस तरह 6 लाख पार होगा और मुस्लिम वोट आज जाटों की मतलब वो थी रैली थी, आज उन्होंने क्या करा, मतलब भाजपा का बिल्कुल खुला विरोध कराया उन्होंने, वोट गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, सब समर्थन करेंगे, सब कर रहे हैं, हर समाज का वोट मिलेगा ऐसा। लेकिन मैंने एक बात देखी है, अभी फील्ड में माजिद अली या उनके साथ कोई बड़ा नेता नहीं है, अभी उन्होंने अपना कैंपेन बहुत बड़े स्तर पर शुरू नहीं किया है, क्या इसका नुकसान नहीं होगा उनको? सर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, दलित वोट तो मायावती से कभी छिटकता ही नहीं, और अगर छिटक एक को छिटकता है 2-4-10% छिटक जाता है, हर रही मुस्लिम की वोट वो माजिद अली को वोट देगा, जो कैंडिडेट जीतता नजर आएगा उसे वोट देंगे लोग। तो दलाल बने बैठे हैं ना, वो माजिद के साथ हैं और कुछ नहीं है, ब्यादरी को बदनाम कर रहे हैं, ब्यादरी खाली उसके साथ नहीं है, खाली माजिद के साथ है ब्यादरी, हमारे साथ है, आधा गाड़े बरादरी यहाँ बैठी है, सब इमरान सपोर्ट कर रही है, अब कौन क्या कहेंगे? ये जो है ना इमरान के चमचे हैं, ये इमरान के चमचे हैं, दंगाई लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं, हम हमारी बहन जी दंगाई तो है नहीं, अपना एजेंट वो एजेंट है भाई साहब, एजेंट है वो, कभी 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 समर्थन नहीं करती, वो खुला समर्थन बीजेपी का करती है, खुला समर्थन करती है वो, कह नहीं नहीं वो सबके साथ समर्थन नहीं करती, नहीं गलत बात, अगर करती तो अगर करती गठबंधन में आती है वो, अगर उसको कुछ मिलना चाहता उसको, वो चाहती कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहती वो, ना ना ऐसा ही है सिर्फ, तो पता क्या है जब टाइम आएगा वो कह देगी वोट भाजपा को ट्रांसफर कर दो, पहले भी करा उसने, नहीं आप आपका किराने में, आप भी किराने में, आप इकरा को वोट दोगे वहाँ पे भी, हाँ ये तो चंद लोग जो हमारी बिरादरी को बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हैं, पैसे के पीछे सिर्फ और कुछ नहीं है, नहीं तो इमरान मसूद नेता नहीं है, सबको जब जरूरत पड़ती है तो उसके पास भागते हैं सवार आदमी, हम बीजेपी के एजेंट नहीं, बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है, बसपा को वोट देना, बीजेपी को वोट देना है, आप दे दो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, आप बीजेपी को तो खुल्ला में खुल्ला, फिर जब आपका नेता मायावती में जब क्या था, जब क्या था बताओ, क्या था जब बताओ, जब फिर हाथी का झंडा क्यों था फिर रे दे ले फिर जब कैसे बात करते हो, फिर हम अपने नेता के साथ हैं। लेकिन एक बात बताइए, राघव लखन पाल की बिल्कुल साफ छवि है, उन पर कोई दाग नहीं है, और देवबंद क्षेत्र में देखा गया है कि बीजेपी का बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे सहारनपुर में भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोट सपोर्ट कर रहे हैं,
आप कहते हैं कि 34% मुस्लिम बीएसपी को जाएगा, ये कहते हैं कांग्रेस गठबंधन को जाएगा, तो क्या आपको लगता है बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं जाएगा मुस्लिम का? मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलेगा क्योंकि राघव लखनपाल की वाकई पोजीशन देवबंद का रहने वाला मस्जिद है। जब देवबंद में मुसलमान वोट बीजेपी को कर रहे हैं तो आगे कौन देगा वोट उसको? तो यहाँ कौन देगा फिर? तो बीजेपी को वोट दो ना फिर, खुल्लम खुल्ला क्यों हत्या के सपोर्ट देगा? पंचायत चुनाव में तकरीबन 5000 वोट देवबंद क्षेत्र से निकला था। माजिद अली उस वक्त मुझे आइडिया नहीं है किस पार्टी में थे, लेकिन जब पंचायत चुनाव में 4500 वोट निकला था, तो क्या अब मुस्लिम वोट वहां से नहीं निकलेगा? नहीं सर, निकलेगा। पार्टी को वोट तो सभी देते हैं, कोई ना कोई तो जुड़ा हुआ है ही, ऐसा थोड़ा ही नहीं है। लेकिन पार्टी में थे वो, हमारी बिहारी का झगड़ा हो गया था कुलागढ़ के अंदर, तो हमने उसे फोन किया भाई ऐसी बात है, उनसे बैठ कर मामले निपटवा दो। उसने पता क्या कहा भाई, हाथ जोड़ के माफी मांग लो उनसे, मैं नहीं आऊंगा बीच में। तो कहेगा नेता है वो जो आगे समझौता नहीं करा सकता किसी का, बिहारी कहने की शुरुआत कर दी, शुरुआत नहीं करा, खेल खराब कर रहा अपना वो, आगे कोई पूछने का भी नहीं उसको भाई साहब। हाँ, जिला पंचायत का इलेक्शन भी हार गया था वो, और तुमने हराया था अपनी सीट पर? हमने नहीं हराया था उसे, आपने हराया था। गार्डों की मतलब बुढ़े खेड़े की सीट पर जाकर उधर लड़ रहा, क्या रिजल्ट में क्या मिला था उसका बताओ आप। लेकिन एक बात और है, आशु मलिक देहात से विधायक हैं फिलहाल विधानसभा सीट से, उमर अली खान बेहट सीट से हैं, बाकी 3 सीट बीजेपी की हैं। आशु मलिक और उमर अली खान के टाइम में जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो इमरान मसूद का बिल्कुल ही एक तरफ उनको साइडलाइन कर दिया गया था, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि अभी ऐसा नहीं होगा? नहीं बिल्कुल नहीं होगा। इमरान मसूद ने जब भी दिलो जान से दोनों को विधायक बनाया, और रही बात विधानसभा की, 2 विधानसभा हमारी उसमें जा रही है, किराना के अंदर जो जिला इसकी सीटें हैं वो किराने में जा रही हैं, हनुकोडर गंगो दोनों सीटें उसमें जा रही हैं विधानसभा, तो इंशाल्लाह माइकरा जीतेगी, कोई दिक्कत नहीं था। तो बिल्कुल एक कोट और देहात का भी पक्का, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या माजिद अली को वहां कोई वोट नहीं मिल पाएगा? चंद जो मैंने आपको बताया बिरादरी के लोग हैं, वो जो पैसे खाऊ हैं, पैसे खाऊ सीधा सीधा बोलना, पैसे खाऊ जो है लड़के आदमी बिरादरी के, वो साथ लगे हैं, उसको और कुछ नहीं है। तो आपका कहना यह है कि तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं माजिद अली? हम खुद गाड़ी से बिरादरी से गाड़े हैं, पर नहीं हम वोट देने माजिद को, खुला कह रहे हैं इमरान को वोट देंगे हम। ये कह रहे हैं तीसरे नंबर की लड़ाई माजिद अली लड़ रहे हैं, क्या आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? कैंडिडेट को तो ओवैसी भी जिता रहा होगा, ऐसा थोड़ा ही है नहीं जिता रहा, ओवैसी भी सभी जिताते हैं। लेकिन कैंपेन की क्या आपको कमी नहीं लग रही? माजिद अली अभी फील्ड में कम लग रहे हैं, रमजान का महीना चल रहा है, अब रमजान बीतते ही फील्ड में आ जाएंगे, बहुत होते हैं सर 5-7-10 दिन मिल जाएंगे, बहुत मेहनत कर लेंगे। बहन जी आ जाएगी, प्रचार करेगी, कोई जरूरत भी नहीं है कहीं जाने की, इधर उधर आप कुछ भी नहीं आएगी, यहाँ से बुला लो आप उसको, देखो आप ही जाओ, नहीं आगे तो खुल्लम खुल्ला अंदर खाने सपोर्ट करेगी भाजपा की, बुलाओ आप, अखिलेश आएगा, राहुल गांधी आएगा, प्रियंका आएगी, वो आएगी, यहाँ पे रोड शो भी होगा। दोगला है अखिलेश, दोगला है बीजेपी गोद में, सारे नहा धोकर पाक होकर बैठ जाएंगे, ऐसे ही बसपा का हाल है। वो पैसे ले लो 5-7-10 करोड़ रुपए टिकट ले लो अपने घर वाले भी कह रहे हैं हमारा भी कैंडिडेट जीतेगा, वही भ्रम ये पाले हुए हैं। वैसे तो कैंडिडेट ही नहीं आप, नहीं कहा कहीं और देखा जाएगा, हम तो अपने यहाँ की बात कर रहे हैं ना, हम तो अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ मुगालता पा रखा लोगों ने, वो अंदर खान ने भाजपा का बी टाइम उसका सपोर्ट करी और कुछ नहीं है। बीएसपी को अगर हरवाना होता बीजेपी को तो गठबंधन में आती, गठबंधन में क्यों नहीं आई? नहीं आई, वो अकेले लड़ना चाह रही, वो नहीं गठबंधन में रहना चाहती। गठबंधन को विधानसभा के अंदर एक विधायक जीता था आपको, पूरी विधानसभा मतलब 400 सीटों के अंदर में एक विधायक जीता था आपका, वो भी नहीं रहा आपके पास। 10 एमपी था, 10 में से बताओ कितने एमपी आपके पास है? एक भी एमपी आपके साथ नहीं है, कुछ नहीं है। सहारनपुर में फजलुर रहमान नहीं है, प्रदीप नहीं है, वह भी तो आखिर एमपी है, अपना ही बनाना जरूरी थोड़ा ही होता है, जो अच्छा काम करे कोई भी हो। लेकिन फजलुर रहमान जो सिटिंग एमपी थे उनको टिकट नहीं मिला, तो क्या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था? उसका मन वो राजनीतिदार आदमी है भी नहीं, उन्होंने मांगा नहीं है, उनको मिला नहीं है। ये तो देखो वही जानते हैं अपनी बात को, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, दिखा ही नहीं कहीं, कौन टिकट देगा उसको, कौन वोट देगा उसको जब वो दिखा ही नहीं 5 साल, बताओ किसने देखा, कोई काम कराया उसने? पैसा
क्या कह रहे हैं? बीएसपी में क्या है, मुंतजिर भाई पैसे देंगे, टिकट ले आएंगे, ये ले आएंगे जी। मुंतजिर भाई क्या ऐसा है, हम तो सुन ही नहीं पाए क्या कहा। पैसे देना है, टिकट लेना है, वहाँ तो वहाँ कोई और नहीं, कौन लेता है? पोजीशन अच्छी होती है वो पैसा लेता है। कांग्रेस कहाँ से पैसा लेगी, वो कैंडिडेट तो जबरन ढूंढती है कांग्रेस। बसपा से अलावा कोई कैंडिडेट से पैसा नहीं देती, बसपा सिर्फ टिकट बेचती है और कोई पार्टी टिकट नहीं बेचती। सब वो पैसे देते हैं, किसी को थोड़ा दे ज़्यादा दे, वो अपना लड़ाना काम करते हैं कैंडिडेट को। बसपा सिर्फ पैसे लेना काम करती है। अरे माजी जो चल रहा है वो पैसे के ऊपर ही है और कुछ नहीं है, कोई साथ नहीं है उसके। जो लग रहे हो खाने वाले चमचे हैं साथ में, ये भी खुला बोल रहा हूँ मैं, चमचे हैं सारे साथ में लगे हुए। सभी लोगों ने खाया था लेकिन जिता दिया था, जीत नहीं गए थे। अब इसे भी दोगे? देंगे हम नहीं देंगे बिल्कुल। जो गठबंधन है, जो गठबंधन होगा वोट से दिया जाएगा। गठबंधन को सपा और बसपा का गठबंधन था, 34% मुस्लिम वोट था, 22% दलित वोट था। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट इमरान मसूद को भी जाना है, राघव लखनपाल को भी जाना है, वोट नहीं मिलने गए। जब अंधी थी बीजेपी की और बसपा की सपा गठबंधन था, 2,10,000 तो जब ले गया था इमरान मसूद, वही कहाँ सिमट जाएगा? सिमट जाएगा उसी जगह पे। और हर समाज का वोट है, हर समाज का। चलिए अभी और लोगों से पता करते हैं क्या ये जो इनकी बहस हो रही थी इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है। देखिए बात तो सही कह रहे हैं मनोहर भाई कि पल्ला जो भारी रहेगा वो इमरान मसूदी का रहेगा। और मुंतजिर भाई ठीक है, वक्त के साथ चलना चाहिए आपको, देश और संविधान बचाना है। नहीं इमरान की बात नहीं है, देश बचाना, संविधान बचाना। देश कहाँ चला गया यो? किस क्या है खतरा आपके पास या सभी लोगों के पास? ऐसा किसके हमारे पास नहीं है, किसके पास? सभी के पास ऐसा, पूरे समाज के हर सब हर आदमी कारोबार से रो रहा है, अपने बच्चों रोटी देनी मुश्किल हो रही है आज के टाइम में। कहाँ भाई साहब, कहाँ खो रहे हो आप? कारोबार की सेवा नौकरी किसके पास है बताओ मुझे आप? बच्चे जी ये बताओ, 80 करोड़ को खाना दे रहे, 80 करोड़ आदमियों को खाना दे रहे, किसे भूखा मरना दे रहे, ये तो बताओ। लेकिन मैं आपसे एक बात आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मोदी जी या योगी जी राशन देते हैं तब तो आगे बढ़कर सब ले लेते हैं, वोट के टाइम पे ये देश बचाना, संविधान बचाना, ये क्या हो जाता है? तुमने राशन लिया ना, हमारा राशन कार्ड है। जैसे मतलब कम्युनिटी की बात हो रही है, बताओ अगर आपके किसी घर में 4 आदमी है और 20 किलो अनाज मिला, 20 किलो अनाज पूरे महीने खाएगा क्या? उसके अलावा कुछ होनी चाहिए आदमी को। लेकिन हम किसे दे रहे हैं पैसा? पैसा किसी को दे रहे? अरे किसे, हर आदमी को थोड़ा मिल रहा भाई। अगर 100 घर में 2 आदमी को मिल रहा 98 घर कहाँ जाएंगे वो? कहीं मोहताजगी तो आ गई, जब कारोबार नहीं है लोगों को मोहताजगी। चलिए देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अभी तो कांटे की टक्कर यहाँ पर ज्यादातर लोग राघव लखनपाल और इमरान मसूद के बीच बता रहे हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं माजिद अली भी। ये तो भविष्य बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मैं आपका मजाहिर हसन, उदित राज न्यूज। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।